अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हूँ अब्दुल्ला हारून, और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा ये एक्वेरियम कि मैंने ये कैसे बनाया। तो इसके लिए हमें एक बोतल चाहिए होगी और कार्डबोर्ड चाहिए होगा, उसके ऊपर लगाने के लिए टेप, और ये लाइट चाहिए होगी, थोड़ा सा ये क्रश स्टोन्स चाहिए होंगे, फिर ऐसे थोड़े जो भी आपने स्टोन रखने हो, और आर्टिफिशियल प्लांट्स, और एक बैटरी जो ये मैंने लाइट के साथ कनेक्ट की हुई है ये, और फिर एक कटर चाहिए होता है। हम यहाँ से काटते हैं कटर से इतनी पूरी जगह, और उसके बाद हमने अंदर क्रश स्टोन्स वगैरह सारा कुछ सेट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने टेप से लाइट लगानी है, और फिर यहाँ पे कार्डबोर्ड कोई सा भी काट के किसी भी शेप का, कि ये फिर बैलेंस रहे, बोतल गिर ना जाए तो और पानी ना निकल आए, तो उस शेप तो किसी भी शेप की बना के तो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और क्योंकि ये कहीं पे पानी गिरे ना, बोतल ना टेढ़ी हो, और बस फिर इसको ये टेप से लगा देने हैं, और उसके बाद फिर आपने इसमें पानी भरना है। पानी भरने में इसमें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो आप लोग कोई इंजेक्शन ले लो और उसके आगे छोटा पाइप लगा के तो अंदर पानी डाल लो। जैसे कि ये मेरे पास 10 ml का इंजेक्शन था, इसके आगे मैंने ये पाइप लगाया, और उसके बाद मैंने वो इससे पानी अंदर डाला, और जब और वो उसके बाद जब ये भर गया तो जो इसके अंदर चीज़ें मुझे लग रहा था कि सही नहीं रखी हुई, इधर होनी चाहिए इधर होनी चाहिए, तो वो मैंने सेट करके रख दी। और अगर हमने यहाँ से पानी निकालना हो तो ये जो कवर है यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये कवर खोलें और पानी बाहर निकल आएगा, और इस पे हम दो से ज़्यादा मछलियाँ रखेंगे तो जगह तंग हो जाएगी और वो मर सकती हैं, और इसके अंदर सी शेल्स भी रखे हुए हैं, और अंदर पौधे भी 3 तरह के लगाए हुए हैं वैसे ही आर्टिफिशियल, और अंदर इसके ब्लू कलर के भी स्टोन आप लोग देख रहे होंगे जो दुकानों से मिल सकते हैं, और ये जो LED लाइट है ये एक स्ट्रिप होती है 100 रुपीज़ की या 90 रुपीज़ की, या आप लोग किसी भी इलेक्ट्रिसिटी शॉप में जाए उन्हें कहेंगे थे कि LED लाइट की स्ट्रिप दे दें तो वो ये आपको दिखा देंगे, इससे बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, और ये वाटर प्रूफ नहीं होती इसलिए मैंने बाहर लगा दी, वरना मैं अंदर भी लगा सकता था। तो आए अब हम ये अंदर से देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये एक्वेरियम अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आए अब हम इसको अंदर से देखते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।